हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर जीनियस। दोस्तों, सब्सक्राइब गया भाड़ में, लाइक गया तेल लेने। दोस्तों, अपनी नज़रें इस वीडियो में जमा कर रखिएगा। इस वीडियो में हम आपको वो जानकारी देने वाले हैं जो अभी तक किसी यूट्यूबर ने आपको नहीं दी होगी। बस दोस्तों, बकवास आपने सुनी होगी पूरे यूट्यूब पर, लेकिन आज की इस वीडियो में सारा कुछ क्लियर होने वाला है मेरे दोस्त। तो देखिएगा दोस्तों, हम किस वेबसाइट हैं। इस वेबसाइट का नाम बताने की आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है। इस वेबसाइट से आप खूब दोस्तों रूबरू हैं कि भाई वेबसाइट कौन सी है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें लिखा क्या गया, लिखा गया है कि आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड एग्जाम डेट 2020 लाइव अपडेट, कहाँ मिलेंगे सीबीटी 1 के एडमिट कार्ड, यहाँ देखें जानकारी। सारी जानकारी दोस्तों आपको यही मिलेगी, आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है। और सबसे पहले जो युवा यहाँ पर कन्फ्यूज है कि सर डेट कौन सी है वो तो दिखा दीजिए, तो भाई अपनी आंखों को थोड़ा ध्यान से खोल कर देख लीजिए। 16 दिसंबर 2020 की न्यूज है। कोई दोस्तों मैं आपको तीन हज़ार साल पुरानी न्यूज आपको नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी की दोस्तों न्यूज है, अपनी आंखों को थोड़ा जमा कर रखिएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड सीबीटी 1 एग्जाम डेट 2020 लाइव। रेलवे में एनटीपीसी पदों के लिए भर्ती के लिए एग्जाम 28 दिसंबर से शुरू होंगे। ये दोस्तों बिल्कुल तय हो चुका है कि भाई 28 दिसंबर से आपके जो एडमिट कार्ड है यानी कि आपकी जो परीक्षा है वो दोस्तों शुरू हो जाएगी, ठीक है। एडमिट कार्ड तो इसके कुछ दिन पहले डाउनलोड आप कर सकते हैं, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी भर्ती के लिए 1,26,00,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। देखिए दोस्तों, पूरी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या यहीं पर आ चुकी है। इतने लोग तो दोस्तों हमारे यहाँ पर बेरोजगार है जितनी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं भाई, देखिए ये जो देश है इसमें कितने लोग बेरोजगार है, ठीक है दोस्तों। उस बेरोजगारी में दोस्तों आप भी हैं, हंसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए यह परीक्षा मार्च 2021 में जारी होगी। परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन मोड से आयोजित की जाएगी, यानी कि आपके हाथ में माउस होगा और आपके सामने दोस्तों स्क्रीन होगी और आपको दोस्तों वहाँ पर जो दोस्तों आपके क्वेश्चन है उनसे आपको रूबरू होना पड़ेगा कि भाई इसका आंसर क्या है, ठीक है। और वो दोस्तों आप तभी जानते हैं कि आपके अंदर कितना प्रेशर होगा, वो दोस्तों आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आपने पहले एग्जाम दिया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप दोस्तों एग्जाम को धकेल कर आसानी से वहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। जिसका पैटर्न पहले ही जारी किया जा चुका है, पैटर्न दोस्तों आपको पता चल चुका है। 90 मिनट का एग्जाम आपका होने वाला है, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये दोस्तों आप सभी जानते हैं। उम्मीदवारों को मल्टीपल चॉइस सवालों का जवाब कंप्यूटर भी देने होंगे, यानी कि आपके सामने दोस्तों एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, उस ऑप्शन को दोस्तों क्लिक करना होगा जो दोस्तों आपका राइट, ठीक है। और वो दोस्तों मैं आपको बताने नहीं आऊंगा, वो दोस्तों आप ही वहां पर कर पाएंगे, ठीक है। यहां पर आप देख लीजिए, कुछ यहां पर आपको युवा पीढ़ी नजर आ रही होगी इस फोटो में, जिसे आप देख भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड एग्जाम डेट, वेबसाइट से पहले यहाँ मिलेगी सूचना। या फ्रेंड्स, वेबसाइट पर आपको सूचना नहीं मिलेगी, लेकिन वेबसाइट से पहले आपको इस वेबसाइट पर जो सूचना मिल जाएगी। एडमिट कार्ड को लेकर दोस्तों क्या बड़ी बात है वो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं आपको क्या बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखिएगा दोस्तों, 21 मिनट पहले ही दोस्तों यहाँ पर अभी अपडेट हुआ है, ये सारा कुछ यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई हमें ये तो बताइए कि हमारा जो एडमिट कार्ड है वो हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो एडमिट कार्ड दोस्तों आपको डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो एग्जाम है वो 28 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। 28 दिसंबर से आपका जो एग्जाम है वो दोस्तों स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और 28 दिसंबर के एग्जाम आपका स्टार्ट हो रहे हैं, तो फ्रेंड्स इसके समथिंग दोस्तों 7 या 8 दिन पहले आपका एग्जाम यानी कि आपकी जो एडमिट कार्ड है वो दोस्तों आपको देखने को नजर आएंगे। 21 तारीख को आप अपने जो एडमिट कार्ड है वो आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आपने एडमिट कार्ड आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है। और फ्रेंड्स आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर दोस्तों एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको एक लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप पहले यह चेक कर पाएंगे कि आपका जो एग्जाम है वो दोस्तों कहाँ पर गया, ठीक है, कौन से स्कूल में नहीं किस जगह पर गया है। क्योंकि दोस्तों आपके यहाँ से जगह बहुत दूर होती है, जो आरआरबी के एडमिट कार्ड आते हैं उनकी दोस्तों जो जगह होती है आपसे कम से कम 100-200 किलोमीटर दूर आपके आती हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, कोरोना के चलते दोस्तों आपके जो एग्जाम की डेट है वो पास में ही रखी जाएगी, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिएगा, आपकी जो डेट है दोस्तों पास में ही रखी जाएगी, इससे कोई दोस्तों आपको दोहरा नहीं है, ठीक है। एग्जाम सेंटर को लेकर है संशय, ये देखिए दोस्तों यहाँ लिखा भी गया कि एग्जाम सेंटर को लेकर है संशय, यानी कि एग्जाम सेंटर दोस्तों आपके ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए दोस्तों, सेंटर शहर से बाहर होंगे। ऐसा नहीं है कि भाई आपके ज़िले में ही आपका एडमिट कार्ड आपको मिल जाए और वहीं आप पेपर देने चले जाएँ, फिर तो दोस्तों आप चाचा ताऊ से ही अपना पेपर करा लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है।
एग्जाम डेट दोस्तों आपके शहर से अलग होगी और सेंटर भी आपका अलग होगा, ये दोस्तों अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ज़्यादा दूर नहीं होगा, आपके एक शहर को छोड़कर ही आपका ऐसा सेंटर वहाँ पर मिलने वाला है। और ऐसा होता है कि जो परीक्षा के लिए क्या स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी, रेलवे बोर्ड इसी कोशिश में है कि उम्मीदवारों को नज़दीक से नज़दीक एग्जाम सेंटर दिए जाएँ। यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी कोरोना संबंधी गाइडलाइंस भी ध्यान में रखना है, बोर्ड जल्द ही एग्जाम डेट सिटी डेट भी जारी करने जाएगा, ठीक है। अब जारी करने वाला है दोस्तों यहाँ पर आरबी एनटीपीसी जो है, आपको यहाँ पर देखिए एग्जाम सिटी की डेट भी जानकारी करेगा कि आपका जो सिटी है वो कौन सा है, ठीक है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें पास दिया जाएगा रेल का, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, रेल दोस्तों यहाँ पर जो बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए तो पास नहीं मिल रहे हैं, फिर दोस्तों आपको कैसे मिल सकते हैं, ठीक है। आपको दोस्तों अपने पैसा खर्च कर ही, चाहे आप साइकिल से जाइए, चाहे मोटरसाइकिल से जाइए, चाहे दोस्तों बस से जाइए, आपको अपना पैसा लगाकर ही दोस्तों वहाँ पर पहुँचना होगा एग्जाम सेंटर पर, चाहे दोस्तों आपको कहीं भी सोना पड़े, वो दोस्तों आप सभी समझदार हैं कि आपको कहाँ पर लेट मारनी है, ठीक है। मैं आपसे दोस्तों यही बोलूँगा कि भाई आप यहाँ पर बस अपनी जो स्टडी है उस पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको कोई और बताने नहीं आएगा कि भाई पहले का दूसरा है, तीसरे का चौथा है, ये आपको कोई बताने वहाँ पर नहीं आएगा, अपना माइंड आपको यूज करना होगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि भाई सबसे पहले तो आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, अगर आपने अभी तक रिवीजन नहीं किया है तो बस आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, आपको रिवीजन ही पेलना है, ठीक है। 4-5 महीने एग्जाम चलने वाला है, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई मेरा क्या 28 दिसंबर को है, मेरा तो जनवरी फरवरी होगा, तो भाई उनसे मैं बोलना चाहता हूँ भाई उल्ट यहाँ पर लेने के देने पड़ जाते हैं कभी कभी टाइम पर, ये होता है कि आप कुछ सोचते हैं होता कुछ और है, क्या पता आपका एग्जाम 28 दिसंबर को हो, तो भाई पढ़ना लिखना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि भाई आपका एग्जाम फरवरी में होगा जनवरी में होगा, ये मत सोचिएगा, एग्जाम आपका बहुत नज़दीक है और आपका ही हो सकता है। कोई लोग बोलेगा कि मेरा नाम तो पी से स्टार्ट हो जाए, कोई मेरा बोलेगा मेरा नाम तो एल से स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं है कुछ, क्या पता दोस्तों पहले एल वाले लपेट दिए जाए फिर पी वालों का नंबर हो, तो दोस्तों ऐसा ध्यान मत रखिएगा, बस अपने दिमाग को फोकस कीजिए और पढ़ाई पर ध्यान रखिए, जो किताब आपकी धूल खा रही है उनको सफा कीजिए और पढ़ाई करने बैठ जाइए, ठीक है। तो फ्रेंड्स इतना ही बोलूँगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोकिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वो पहली बात जो मैंने शुरू में बोल दिया था वो आपका मन बहलाने के लिए था। बस दोस्तों इतना ही बोलूंगा, तब तक धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।